जेड़े संस्कारी जीव होंगे ने दृढ़ संस्कारी जीव उन्हों का जन्म ही ऐसी जगह पर करनी है कुदरत और मालिक सच्चा जिस के घर संतान का आ जाना हो गुरमुख प्रेमी रेंदे हो उत्थे संतान दे पठन पाठन होंदा होवे बाणी होंदी होवे सत्संग सुनन जांदे हो ताकि जिस जीव ने रूहानियत नूं हासिल करना है वह उसनों शुरू तो ही बचपन तो संग मिल जाता है सत्संगी जीवन अगे फिर उसनों सतगुरु मिलते हैं उसकी तो जमीन पहले ही तैयार है उसके पिछले संस्कार के मुताबिक उसनों ये सारी चीज़ा जो अंतर्मुख शक्ति है बहुत ही जल्दी प्रकट हो जाती है वो अंदर क्योंकि वह पिछले BA MA PhD करके आया है इस तरीके किताबा गई ने जिस तरह महाराज जी जब हेमकुंड गए तो मैं कटरमैन दे पढ़ मैं कटरमैन खोली जा पढ़ी जा पढ़ी जा मैं लगे तो सारा आंदा ही है तो सारी समझ आई है क्यों पिछे कभी मैं पढ़िया पिछले जन्म उ संस्कार जाग गया मैं वो चीज़ा सारिया समझ आई और सतगुरु जी प्लस कृपा जाद्या उठद्या बैठद्या मैं कहनी इतनी समाधि ला के बैठो ध्यान नहीं बनता जितना कि सतगुरु की याद और उसके प्रेम के भक्ति के इंसान का ध्यान बनता है उसके नाम अंदर शब्द खुल गया गुरु गुरु की कृपा का जिनी देर तक असं सतगुरु प्यार याद नहीं करा यानी भाव नहीं पैदा करा ये जी गगन में हो रही आवाज अति जीनी कोई सुनता गुरमुख प्रेमी वह कहें कौन सुनेगा गुरमुख जिसका मूह गुरु की तरफ है गुरु की रजा के उत्ते रहता है गुरु के हुक्म मनता है उसनों गुरमुख कहता है जिसनों दुख और सुख न सम करके जानता है और गुरु के पाने के रहा है गुरु की खुशी के अपनी खुशी समझता है गुरु के बिना वो रह नहीं सकता वह गुरमुख जीव है उस गुरमुख जीव के अंदर सतगुरु चाहे 100 करोड़ समुद्र पार बैठा हो उस दे अंदर वो शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है किस तरह अपने आप क्योंकि वह सतगुरु का ध्यान करता है सतगुरु ही याद करता है इसे करके कहने जिन प्रेम की ओर तिन ही प्रभु पाया किसी ने यह नहीं किया कि जिन्हें ज़्यादा किताबा पढ़िया उन्होंने प्रभु मिल जाएगा ना जेड़ा सतगुरु की संगत करता पे जीवित सतपुरुष जिसने कि तुहानू अंदर की जुक्ति दिती है वह जीवित सतपुरुष है तुहाडे वास्ते उही तुहाडा गुरु है उस दी जुक्ति के मुताबिक चलो और प्रेम आप दे विच रहो यह शब्द जेड़ा एक बार सतपुरुष के जरिए प्रगट हो जाए ना वह गुप्त कभी नहीं हो सकता लेकिन अगर तुम महाराज ने थोड़े जो शब्द प्रगट किया उसके बाद तुम बेपरवाह हो गए हाँ जी बात नाम ले लिया बस उस शब्द अपने आप पीछे हटते क्योंकि रोज कैदा पढ़ोगे तो कैदा याद आएगा आत्मा में जब शब्द के नाल जोड़ोगे इस तो वड्डा कोई तप नहीं और गुरु पीरा दी चाकरी सिर्फ तपां दे तप इस दरबार साहब ने लिखा है गुरु पीरा दी चाकरी सिर्फ तपां दे तप नजर करे जे अपनी ते लावे हेत प्यार वो अपनी नज़र पाएगा उस जीव के उत्ते जेड़ा जीव सतगुरु की सेवा करता पे है सेवा किन्ने किस्म की होती तन ना मन ना तन ना और उसके पाने के बीच चलना और फिर सेवा अंदर दी अंदर लोग जेड़े की पूरे शब्द का अभ्यास करना अंदर का नाथ सुनना गुरु पीरा की चाकरी सिर तपान ते तप तप तपस्या थोड़ी जी जंगल है वो कोई मायना नहीं रखती अगर तुम सतगुरु की संगत रहो और तब सेवा करो उसकी तन मन तन नाल और रजा उत्ते चलो तो इस तो वड्डा कहने नहीं कोई तप नहीं क्या विश्वामित्र ने कर लिया क्या गोरख ने कर लिया क्या सिंदर ने कर लिया फिर भी उन्होंने माया ने चक्का दे दिता चाहे खड़े हो गए जैसे एक आदमी स्लिप मर जाता है फिर आप ही उठ जाते गोडे फट इस तरह ही सतपुरश जड़े ने मैं महाराज जी अपने अनुभव नाल अपनी उन्होंने मेहर न कहनी आ परमेश्वर तो कोई चीज़ ही नहीं
जिसने सतगुरु के दर्शन हो गए, जिसने सतगुरु तो प्राप्ति कर ली, वो मूंह चो भी नहीं कह सकते कि वह परमेश्वर से, आदि पुरुष कह सकते, आदि पुरुष कह सकते, इतनी शक्ति दे महाराज जी मालक से। और महाराज जी को एक कभी भी भुल के ना समझना भी महाराज जी है नहीं। बड़े धोखे च रहोगे तुम, बहुत धोखे च रहो। शरीर ठीक है, मैंने काल को देख कर लै पे फट अपनी चादर, लेकिन ही इज ऑल माइटी एंड इज फुल ऑफ लाइफ, पूरा जीवन है उन्होंने। जो भी मशीनरी चलती पी है राजमास दी, जो भी सत्संग हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब उन्होंने हुक्म और उन्होंने रजा के उत्ते हो रहा है। वही सबन प्रेरणा दे रहे हैं, उ ही उन्होंने जीवन की संभाल कर रहे। कभी मूँह तो ना है कहो भी महाराज जी इतने नहीं है, महाराज जी इतने ही है। अपनी अंदर की अख खोलो और देखो। हाँ पढ़ भी तेरी नौ दरवाजा तो ऊपर की यात्रा है जिड़ी कि शिव नेत्र तो शुरू होती है। ये यात्रा करने वास्ते जिमें असी चंडीगढ़ जाना है तो पहला सानू अपना घर छड़ना पाएगा, तो तब असी चंडीगढ़ में जाए बस पकड़ांगे, कार है, जो भी साढ़े को कन्वेंस है वो उत्ते जावांगे। इस तरह ही सतपुरुष की यात्रा जो उसका घर है शिव नेत्र तो शुरू होता है, लेकिन ये नौ दरवाजे च बैठ के असी ये यात्रा नहीं कर सकते। मुबारकपुर बैठ के असी यह नहीं कर सकते, इतने ही बैठे जे शरीर साढ़ा इतने, असी चंडीगढ़ जा रहे हैं जी, बस क्यों जा रहे हैं, क्योंकि तो चंडीगढ़ याद आ रहे। इस तरह ही रूहानियत दे नौ दरवाजे का जो शरीर है, नौ दर ढाके धावत राए, दसवें निज घर वासा पाए, उत्थे अनहद शब्द वजे दिन राती गुरु मत्ती शब्द सुनावन। ये नौ दरवाजे का शरीर है, ये छड़ना पेगा। किस तरह छड़ना पेगा कि आत्मा नू जिस तरह सतगुरु ने एक तुहानू पौड़ी बनाई है कि किस तरह सत्संग सेवा चाकरी हुक्म ये सारिया पौड़ियाँ ने जिन्हों के उत्ते चढ़ के तुसी शिव नेत्र के उत्ते आना है और सतगुरु के मस्तक का ध्यान करना है। सिमरन और सिमरन जे सच्चे मन नाल हो रहे तो कुदरती महाराज का स्वरूप सामने अपने आप आए। उसके बाद फिर साउंड शुरू होती नाद, लेकिन ये जिहड़ा मस्तक स्वरूप का देह का स्वरूप जिहड़ा असी अपनी अखां सामने आंदा है सिमरन कर लगिया, ये स्वरूप जिहड़ा है फिर छड़ के सिर्फ शब्द में पकड़ना है। वो महाराज इधर निर्गुण रूप है, सरकल रूप महाराज दया है। जिस तरह असी हाँ महाराज जी बैठते सत्संग करते हैं, महाराज थोड़े गल्ला करते हैं, हुक्म देते हैं, यह करो वो करो, ये है सरकल रूप। फिर जब तुम अंदर निर्गुण रूप में जाते हो, वो महाराज का निर्गुण रूप है। इसे करके सतपुरुष के दो रूप ने, एक सरगुण और एक निर्गुण। सरगुण रूप के महाराज थोड़े बैठते सी सत्संग करते, निर्गुण रूप में तुम अंदर जाने का तरीका दसते एंज जा और एंज मिल। गुरु शब्द शब्द गुरु सुरत धुन चाहता, इतने गुरु कहड़ा है जी अंदर साउंड हो रही है सब, वो गुरु है, वो सतपुरुष का निर्गुण रूप है। और सरगुण कहड़ा रूप है, जिस मूँह के नाल महाराज जी ने तुम सत्संग सुनाया और तुम समझाया कि इस तरह भजन करना है, इस तरह तू अपना करना है, तुहाड़ियां गलतियां अपने मूँह नाल दसियां, तुहाड़ी लापरवाहियां अपने मूँह नाल दसियां। और निर्गुण रूप दे विच जिस वेले जीव जांदा है, वो जीव फिर उसनू पूरी तरह पता लगदा कि निर्गुण रूप मेरे सतगुरु है। सरगुण निर्गुण दोनों ही उसते अपने रूप, एक पुरुष दे हर पुरुष दे तुहाडे निर्गुण रूप है, सरगुण भी रूप है। निर्गुण रूप जिहड़े तुहाडे नूं सब नहीं पता, सरगुण पता नहीं तुहाडे, निर्गुण में तुम की अच्छाइयाँ करते हो, की बुराइयाँ करते हो, की द्वेष रखते हो, की जलन रखते हो, ये सारे साढ़े निर्गुण रूप ने। हम उत्थे असी वड़ के की करना, अस तो उस मालिक नूं मिलन जाना है।
इस करके सतपुरुष कहता है नौ दरवाजे पूरे देह है, शरीर जरा नौ दरवाजे है, इतने रेहड़िया सीढ़िया ने चमत्कार ने जेडे कि मुक्ति के रस्ते वास्ते बिल्कुल ही वर्जित ने, यानी नो काटा मारना है। मोर ओवर अगर तुसी ऊपर जाना है तो पौड़ी तो जाओगे, हवा चूट के तो जाओगे नहीं तुसी। और अगर तुसी कोठे तो जाना है छत उत्ते तो उदे वास्ते क्या तुसी थल्ले उतरोगे तो फिर उत्ते चढ़ोगे? नो।